तो यहाँ पर खाने में आलू गोभी परवल की जूस वाली सब्जी, दाल रोटी, मिर्ची और चावल भी आएगा। पहुँच चुके हर की पौड़ी, बस गंगा आरती देखनी है। यहाँ भी कचरा फेंका यार, साफ करते नहीं लोग। आरती शुरू हुई नहीं, 6 बजे होती है। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। गंगा जल यहाँ का है कुछ ऐसा नजारा। को जाते फिर 12 साल बाद मिलते हैं यहाँ पे। हाँ ध्यान रखना, फिर कोई फायदा क्या 12 साल आपको मेले मिलेंगे फिर। अरे हाँ भाई, कोई मिला तो ना। अच्छा अच्छा, वाह वेरी नाइस। अब ले है 2 साल बाद पहले कुंभ मेला हुआ था। 21 में हुआ था ना। उसी टाइम पे हुआ ना जो जिनका बगलामुखी का आश्रम है उनका पट्टा अभिषेक हुआ था। अब साथ में घूम जाएगा 12 साल बाद लेकर कल। जिसका कोई काम भयंकर भयंकर। एक बार भीड़ चेक करो यार, अभी गंगा आरती का समय इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ है और आज का संडे भी है। इधर से कोई दानी का विचारो भी है गंगा मैया की आरती में पूजा में सेवा में बोलना दान के। ठीक है यहाँ से हरिद्वार रेलवे स्टेशन भैया पास में है। अभी हम लोग जो भोजन करने जा रहे हैं किसी अच्छे से ढाबे में, तो सुरेंद्र भाई को पता है, वो हम लोगों को लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर खाने में आलू गोभी परवल की जूस वाली सब्जी, दाल रोटी, मिर्ची और चावल भी आएगा। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रूम पर। तो जो मैंने आपको आश्रम का रूम दिखाया था वही वाला है। तो आज मैं और सूरज यहीं पर स्टे करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सो चुका है और यहाँ पर एक और बेड है,
तो मैं वहाँ पर सोने वाला हूँ, मैं भी सोता हूँ, और मिलते सीधा आपसे अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय सियाराम।